हैप्पी क्रिसमस। तो रेडी होकर अपना आधा हुलिया बिगाड़ लिया है, ये रेडी। तो आज है 25 दिसंबर और सबको मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस। तो आज है क्रिसमस और आज है संडे, तो ऐसे भी क्रिसमस पे बच्चों की छुट्टी है पर स्कूल भी जाते हैं, पर आज संडे पड़ गया इसलिए छुट्टी है। तो बच्चे कह रहे थे चलो बाहर चलते हैं घूमने के लिए, कल से ही रो रहे हैं, तो हमने सोचा चलो चलते हैं। तो अभी मतलब हमने एक जगह का प्लान बनाया है। अगर हमारा व्लॉग वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर जरूर करना, नए चैनल पे सब्सक्राइब करना और शेयर भी जरूर करना। तो चलिए अभी चलते हैं। अभी तो पहले मॉर्निंग के बज गए 12:30, मॉर्निंग हो गया, दोपहर हो गए और सबका नाश्ता वास्ता हो गया, तैयार होने के लिए हम जा रहे हैं। उसके पहले इनको मतलब थोड़ा सा चाय चाहिए तो वो मैं चाय दे देती हूँ। उसके बाद मैं लगाऊंगी नेल पेंट, क्योंकि देखो नेल्स ख़राब हो गए, मैंने शादी में नेल्स लगवाए थे, अब नेल्स मैंने हटा दिया, पता है बहुत ज़बरदस्ती मैंने घर में हटाया, अब मुझे जाना पड़ता नेल्स हटवाने के लिए, तो मैंने घर में ही हटा लिया। और नेल्स हटाने के बाद थोड़ा नेल्स घिसने पे ना थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो इसी को छिपाने के लिए और ना मतलब हर चीज़ में फंस रहा था, तो उसको वो करने के लिए मैंने इस पर 2-3 बार सोची हूँ नेल पेंट लगा लो तो थोड़ा इक्वल में आ जाएगा। तो अभी मैं नेल पेंट लगाऊँगी, उसके बाद मैं तैयार होंगी, फिर पहले तैयार वार हो जाती हूँ अभी। तो चलिए आज को व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं मॉल, इसलिए दिव्यांश तैयार हो रहा है, मैं तैयार होंगी, फिर मम्मा तैयार होगी, पापा तो 2 मिनट में जाएंगे। रेडी और अभी बज गए हैं, देखो टाइम कितना हो गया है, 3:10 बाकी और हम हो चुके हैं रेडी। ये रेडी होकर अपना आधा हुलिया बिगाड़ लिया है, ये रेडी होकर आधा अपना बाल बिगाड़ लिया, और मैं अभी जस्ट रेडी हुई और ये भी गायब है, ये भी आएंगे तो हम थोड़ी देर में निकलेंगे कहीं। तो ये सुबह बोल रहे थे चलो हम 1:30-1 तक निकल जाते हैं और घर 4-5 बजते आ जाएंगे, और हम 4 बजे तो आज निकल 4 बजे तक आएंगे, अभी तो 3 बज रहा है, फिर ये आएंगे, फिर थोड़ा तैयार हुआ खाना वाना खाएंगे, फिर दोबारा फिर खाना वाना खा के निकलेंगे, तो तब तो 4 बजे तो हम तो जाएंगे, तो हम बिल्कुल मम्मा, जिस टाइम पे हम लोग घर आ रहे हैं तो उस टाइम पे हम लोग जा रहे हैं।
मैं बनी हूँ आज सेंटा वाले दिन रेड रेड पहनते तो मैं बनी हूँ सनी महाराज। हाँ एकदम ब्लैक रेड भी नहीं पहना ब्लैक वाइट भी नहीं पहना बाल भी ब्लैक बाल तो ब्लैक ही है दीवान से भी ब्लैक मैं ब्लू मैं और दीवान सेम सेम और पिंक पिंक। तो चलो पहले इनका इंतजार करते हैं और जैसे ही आते हैं फिर इनको दिखाती हूँ। ये आए एक घंटे पहले आए हैं और फिर रेस्ट किया है इन्होंने फिर अभी अब निकल रहे हैं अब और पता है 7:30 बजे निकल रहे हैं। कोई मॉल भी खुला मिलेगा कि नहीं मिलेगा सारे पे पानी फिर गया तो इसी अभी आज नहीं हम पे जाएंगे ठीक है सुबह सुबह चलेंगे। अच्छा अगर मॉल खुला नहीं मिला तो फिर भी हम ट्राई करने के लिए चलते नहीं तो ये सब हमें जीने नहीं देंगे। अगर मॉल कुछ खुला नहीं रहेगा तो मतलब क्या करेंगे फिर डिनर करके आ जाएंगे बस फिर न्यू ईयर पे चलेंगे। हमारा ब्लॉग देखते रहना हम मॉल पहुंचते भी है कि नहीं पहुंचते हैं ना हमारा सारा जशी वाला पपट हो जाएगा पपट। तो अभी हम निकल गए हैं और रात के बज रहे आपको बताया था 7:30 और पूरा अंधेरा हो गया गाड़ी में हमें अंदर भी अंधेरा अंधेरा लग रहा है पूरा पूरा अंधेरा हो गया और बाहर भी देखो पूरा रात हो गया। हमें कम से कम जाने में तो टाइम लगेगा पर पहले हम सोच रहे थे नोएडा जाएंगे पर उधर का मॉल तो बंद हो गया होगा और वो काफ़ी दूर पड़ेगा तो ये देख रहे कह रहे जो खुला मिले तो कह रहे गुड़गांव तक चल के देखते हैं कुछ भी अगर खुला मिलता है तो ठीक है नहीं तो फिर खाना वाना खा लेंगे। तो अभी हमें जाने जाते जाते 10 बजता है पहले हम वहाँ पहुँच जाते हैं फिर दिखाते हैं वहाँ का क्या हाल रहता है और क्या खुला मिलता है हमें। तो आखिरकार बहुत ढूंढते ढूंढते एक मिल गया है और इसका नाम है 32 माइलस्टोन। तो वहीं हम आए और अंदर चल के देखते हैं तो यहाँ से हो चुका है एंट्री हमारा। गाड़ी पार्किंग लगाने के लिए जगह नहीं मिल रहा था इतना भीड़ चल रहा था और बंद होने वाला था फिर बच्चे रोएंगे इसलिए हमने बाहर पार्किंग किया और जो भी 5-10 मिनट मिले तो फिर उसके बाद हम एंट्री कर रहे और चल रहे और पूरा गाना चल रहा था तो मैंने गाने को हटा दिया और वॉल्यूम मतलब वॉइस ऐड किया तो ये सब अभी हम अंदर चल रहे और एंट्री कर रहे और खाने वाने के लिए भी उतना कुछ खास है नहीं यहाँ पे थोड़ा तो इसलिए और हमें भूख भी लग रहा है और मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं बच्चों बच्चों को जो झूला वूला रहे या सेंटा बने रहे बना रहे इसलिए तो मतलब बच्चे तो ज़्यादा टिकेंगे नहीं। और इतना ठंड लग रहा था मतलब खुला ग्राउंड था मॉल अंदर नहीं था खुला हुआ था तो सबको ठंड लग रहा था ठंड से हालत ख़राब हो रहा है सबका। तो चलो अब अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कि क्या क्या कैसे हैं।
इतना हो गया और रात के बज गए 12 और ज़्यादा लेट हुआ तो होटल भी बंद हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। और अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर जरूर करना और नए चैनल पर सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, बाय।